अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के ऊपर बात कर लेते हैं जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिलेटेड है, और ये हो सकता है कि आपके बोर्ड के पेपर में प्रूफ करने भी आ जाए। सपोज कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो ए है, मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया जो कि आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए एक मैट्रिक्स ले लिया जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज ले लेना है ए डैश। याद रखना ये बात को कि ये प्रॉपर्टी जो हम लोग बात करें उसमें तब अप्लाई करेंगे जब सारी की सारी एंट्री मैट्रिक्स ए की, स्क्वायर मैट्रिक्स ए की रियल नंबर हो, तब जाकर के हम लोग ये प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं या वैलिड हो गया, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि भाई कि मैट्रिक्स ए का हमने ट्रांसपोज ले लिया ए डैश, अब ए और ए डैश को ऐड कर दीजिए, मतलब ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश हमेशा ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए माइनस ए डैश हमेशा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मतलब हो गया कि देखिए यहां पे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ले लीजिए, फिर उसका ट्रांसपोज आप ले लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो डेफिनेटली आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। तो ए प्लस ए डैश कहे चाहे ए डैश प्लस ए कहे, डेफिनेटली आपका यहां पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए को आप ए डैश से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ए माइनस ए डैश जो होता है वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं कैसे होगा, और इसके लिए जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स ए पहले से ही सिमेट्रिक हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, मैं आपको बता दूं। अब इस चीज को हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं कि कैसे होगा। देखिए अब यहां पे मान लिया जाए मैं a प्लस a डैश को एक मैट्रिक्स x ले लेता हूं, मैं अब x का ट्रांसपोज लेता हूं, तो मैं यदि x का ट्रांसपोज लूंगा तो x डैश, x का मैंने ट्रांसपोज ले लिया तो x डैश का ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या कि a प्लस a डैश का ट्रांसपोज लेना। तो a प्लस a डैश का जब ट्रांसपोज लेते हैं तो अभी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी जैसा कि पीछे डिस्कस किया गया था, तो इट विल बी इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस a डैश का दोबारा ट्रांसपोज। a प्लस b का ट्रांसपोज जो होता है वो a डैश का ट्रांसपोज प्लस b डैश का ट्रांसपोज होता है, ये प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे जो कि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स रिलेटेड है, तो वही वाली बात यहाँ पे हो गई। अब यदि आप किसी मैट्रिक्स का दो बार ट्रांसपोज लेते हैं तो वो तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही आ जाता है, तो ये a डैश दोबारा ट्रांसपोज लिया तो ये तो a ही हो गया, तो a डैश प्लस a, a डैश प्लस a विल बी इक्वल टू a प्लस a डैश, क्योंकि मैट्रिक्स एडिशन कॉम्पिटेटिव लॉ को फॉलो करता है, a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, इसका तो हो गया क्या बेसिकली कि a प्लस a डैश, इसका तो x के इक्वल आ गया, क्योंकि आपने क्या किया था कि x a प्लस a डैश है, तो x डैश विल बी इक्वल टू x, मतलब a प्लस a डैश का ट्रांसपोज आखिर किसके इक्वल आ गया, a प्लस a डैश के इक्वल आ गया, x डैश इक्वल टू x आ गया। तो इसे हम लोग कहेंगे कि मैट्रिक्स x क्या है, बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हाँ, मैट्रिक्स x यदि सिमेट्रिक है तो इसका मतलब a प्लस a डैश भी सिमेट्रिक है। अब उसी तरह से हम लोग a माइनस a डैश के ऊपर बात करते हैं। अब मान लिया जाए a माइनस a डैश हमने एक मैट्रिक्स ले लिया जो कि y ले लिया मैंने, अब y का मैं ट्रांसपोज ले रहा हूं, तो यदि मैं y का ट्रांसपोज लूंगा तो a माइनस a डैश का ट्रांसपोज ले रहा हूं, इट विल बी इक्वल टू a डैश का ट्रांसपोज माइनस a डैश का डैश, मतलब जो आपका मैट्रिक्स a का जो ट्रांसपोज मैं दो बार ले लिया, तो बताइए a डैश तो a ही डैश आ जाएगा, और a का यदि दो बार ट्रांसपोज लेते हैं तो a ही आ जाएगा, तो a डैश माइनस है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस ऑफ a माइनस a डैश, तो ये a माइनस a डैश क्या है बेसिकली y के, तो माइनस y आ गया, मतलब y का ट्रांसपोज माइनस ऑफ y आ गया, अब y यहां पे क्या है a माइनस a डैश है, इसका मतलब a माइनस a डैश कैसा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स हो, बशर्ते उसकी सारी एंट्रीज रियल नंबर हो, तो उस केस में a प्लस a डैश जो होगा आपका वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और a माइनस a डैश आपका जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं बताना चाहता हूं, ये किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था कि भाई कि यदि मैट्रिक्स ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है विद द रियल नंबर एंट्रीज, तो उस केस में ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश आपका जो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, सपोज एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो दिस मैट्रिक्स ए विल बी रिटन एज हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, क्योंकि यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द ए ही, राइट। अब बताइए a प्लस a डैश कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। a माइनस a डैश कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब a जो हो गया सम हो गया किसका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ये रिजल्ट डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट।
तो इस सेशन में मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और आइसोसिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर बात करा है। अब अगले सेशन में कुछ प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे जो कि इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। राइट, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए कॉन्सेप्ट और कुछ नए प्रॉब्लम के साथ।